छोटी काशी जयपुर में फाल्गुन महोत्सव में महीने में बसंत बयार बह रही है। शहर के मंदिरों में फागोत्सव की झूम मची हुई है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भक्त फागोत्सव में ठाकुर जी को गुलाल अर्पित करने के साथ ही अपने आराध्य के संग गुलाल और फूलों से होली खेल रहे हैं। भक्त चंग और ढप की थाप पर होली पदों और फाग पर नृत्य कर ठाकुर जी को रिझा रहे हैं और मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। हमारे यहाँ फाल्गुनोत्सव 5 मार्च से रचना की झांकी से प्रारंभ होता है और यह 24 मार्च तक चलता है। यहाँ नाना प्रकार के जो है कार्यक्रम होलाष्टकों से 3 दिन के, उसके बाद अलग अलग कलाकार कलकत्ता से, मथुरा से, वृंदावन से यहाँ पधारते हैं और अपनी सेवा श्री गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। छोटी काशी यानी जयपुर में फागुन के महीने की बयार छाई हुई है। छोटी काशी यानी जयपुर के सारे मंदिरों में फागोत्सव की धूम मची हुई है। इस वक्त मैं जयपुर के एक आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में हूँ और आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ फागोत्सव यहाँ पर चल रहा है। मेरे साथ कुछ भक्त लोग हैं जो होली और भक्ति के रंग में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी, ये जो फागोत्सव का त्यौहार है हर साल मनाया जाता है और बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर, हर साल आते हैं हम लोग। जयपुर के अंदर फागोत्सव बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है, लेकिन खासकर गोविंद देव जी के यहाँ का जो फागोत्सव है वो बहुत शानदार मनाया जाता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, काफी टाइम से आने की इच्छा थी, जयपुर में ही रहते थे पर ऐसा कभी मौका नहीं मिला, पहली बार आ रहा हूँ मैं यहाँ होली के उत्सव पे। होली एक ऐसा त्यौहार है जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब खेल सकते हैं और इंजॉय करते हैं। होली हमेशा से हमारे लिए एक्साइटेड ही त्यौहार रहा है और ऊपर से गोविंद देव जी में आके कभी मनाई नहीं थी हमने, हम यहाँ के बेसिकली है नहीं, बट इस बार हमें मौका मिला है गोविंद देव जी में आके होली मनाने की, तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। कुल मिलाकर जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में फागोत्सव की धूम मची हुई है। लोग भक्ति और होली के रंग में डूबे हुए हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।